लो फ्रेंड्स, हमें अपने सिर पे पल्ले रखते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो हम पल्ले पे पिन लगा रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे की साइड लगाएं, शोल्डर्स पर नहीं, क्योंकि और सर पे हमें जूड़ा ज़रूर बना लेना चाहिए। जूड़े पे ही पल्ला अच्छे से सेट होता है, खुले बाल होंगे तो अच्छे से सेट नहीं होगा। तो ये जैसे ये मैंने पल्ला ले लिया है और ये थोड़ा सा हैवी सा पल्ला है, लेकिन देखिएगा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने इसको अपने सर के ऊपर रख लिया है तो जूड़े फ्रेंड पे। हमने सर पे पल्ला इस तरह से रख लिया, जो पॉइंट थोड़ा सा पीछे मैंने बताया है कि थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे लेफ्ट में, जिससे कि ऐसे खींचे नहीं हमारा पल्ला ऊपर की तरफ सिर पे। और फिर इस जगह पे जूड़े के जस्ट ऊपर, कुछ लोग आगे बहुत रखते हैं कुछ पीछे रखते हैं, मैं ऐसे रख के बता रही हूँ। जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे बीच वाला पॉइंट, उस जगह को मेजर कर लेंगे और वहाँ पर हम अंदर की साइड में सेफ्टी पिन ऐसे लगा देंगे। और सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा दिया, सेफ्टी पिन से हम ऐसे सेफ्टी पिन के अंदर फंसा लेंगे। और ये टिक टैक पिन को बालों में कर लेंगे। देखिए हमारा पल्ला इस तरह से सेट हो गया, अब बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, हम कैसे भी सर इधर उधर करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ इस तरह से, कि अगर आपके पास टिक टैक पिन नहीं है तो आपने फ्रेंड के, हमने अपने उसी पॉइंट पे सेफ्टी पिन को लिया और पहले जूड़े में फंसा लिया, जूड़े में फंसा लिया और हल्का सा साड़ी में डाल के लगा लिया सेफ्टी पिन। देखिए इस तरह से हमारी सेफ्टी पिन। और यकीन मानिए दोनों ही तरीक़ों से हमारा पल्ला कहीं नहीं गिरता। ये तो मेरी थोड़ी हैवी सी मोटी सिल्क की साड़ी है, पतली साड़ी में तो बिल्कुल भी कहीं इधर उधर नहीं होता, तो इसमें भी बिल्कुल कहीं नहीं होता, इधर उधर हिलता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पल्ले को पिन करने पे बिल्कुल भी पल्ला सेट रहता है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कुछ भी आप काम कर लें, कितना भी हिल लें।